आइडियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉड्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन नो चेंज इन एंथाल्पी एंड नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व। क्या हुआ इसका मतलब? कि वो सॉल्यूशन जो कि हर एक कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर पे किसको ओबे करे? रॉड्स लॉ को ओबे करे। और उस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान ना तो इंथाल्पी में कोई चेंज हो ना वॉल्यूम में कोई चेंज हो। क्या हुआ इसका मतलब, जरा सा समझने का कोशिश करें। जैसे मान लो एक कंटेनर में हम लोग 10 ml ले लिए लिक्विड के, ठीक है, और इसमें हम लोग ले लिए 5 ml लिक्विड बी। अब ये दोनों को हम लोग मिक्स कर, मिक्स करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो ए और बी का सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 15 ml होना चाहिए। 15 ml से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मिलाने से पहले ये दोनों का वॉल्यूम कितना हो रहा है? 10 + 5 = 15। मिलाने के बाद भी कितना हो रहा है? 15। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 0। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। साथ ही साथ जब हम मिलाते हैं तो ना तो कंटेनर गर्म होता है ना ही कंटेनर ठंडा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन एंथाल्पी क्या है? 0 है। ना ही हीट इवॉल्व हो रहा है ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। साथ ही साथ ये रॉड्स लॉ को ओबे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रॉड्स लॉ को ओबे करने का मतलब पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्सपी। पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इक्वल टू पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। एक्स ए क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। उसी तरह से पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी हो गया, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को जो इस कंडीशंस को फुलफिल करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता है। नो सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन। बट द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन are almost of the same type as solvent-solute interactions behave nearly as an ideal solution. ठीक है? मतलब कि A A के बीच में जितना interaction होगा, solvent molecules के बीच में जितना interactions होगा, solute solute molecules के बीच में जितना interactions होता है, उतना ही interactions किसके बीच में होना चाहिए? Solvent और solute molecules के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा अगर होगा तभी वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ए का जो मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल से, दोनों का पोलैरिटी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होना चाहिए, दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है कि द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल शुड बी ऑलमोस्ट सेम एंड the size of solvent and solute molecule should be same. Clear है ये चीज? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? साथ ही साथ एक नोट करने लायक है कि most of the dilute solution behave as an ideal solution. ज्यादातर dilute solution, क्योंकि dilute solution हम लेते हैं इसका मतलब solute particle उसमें negligible है, तो उस केस में जो force of attraction होगा particles के बीच में बिफोर मिक्सिंग सॉल्यूट और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट वो ऑलमोस्ट क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। जिसके चलते क्या होगा? वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? एक आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशंस है।